नहीं एक सब नहीं, हम बोलेंगे सिर्फ, बीच में कोई नहीं, ठीक है। सुनिए सिर्फ, टेम्स को हिंदी में काल कहते हैं और काल का दूसरा अर्थ होता है समय। और हम जैसा आपको बताए भी कि किसी का बुरा काल चल रहा है, इसका मतलब बुरा समय चल रहा है। तो समय बोलो या काल बोलो, और उसी को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। और टेंस की परिभाषा हमने दिया कि टेंस इज अ वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म दैट शोज, जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, द टाइम रिलेशन, द टाइम रिलेशन विथ वर्क। हम आपको बताएं कि वर्क का मतलब होता है कार्य, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। और कैसा संबंध भैया? समय संबंध। और समय संबंध किसका? कार्य का। कार्य का जो समय संबंध बतलाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? टेंथ। कौन सा काम कब हो रहा है? अगर कोई काम अभी हो रहा है तो वर्तमान काल, जो काम पहले ही समाप्त हो गया उसे भूतकाल, अभी कोई काम होने वाला है होगा तो वो हो गया हमारा भविष्यकाल। तो टेंस एक वर्ब का ही, क्रिया का ही एक फॉर्म है जो कार्य के साथ समय संबंध को दर्शाता है, यानी कौन सा काम कब हो रहा है ये जो बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। हमने बताया कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? काइंड्स ऑफ टेंस, जिसमें सबसे पहला अगर किसी का नाम है तो हमारा नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है जी? दूसरा का नाम क्या है जी? और तीसरा का नाम क्या है जी? तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, या पास्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं, या फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, इट मींस क्या? वर्तमान काल। और इसका मतलब क्या हो गया? भूतकाल। और इसका मतलब क्या हो गया? भविष्यत काल। कोई दिक्कत क्या? अगर किसी वाक में इज लग गया, किसी वाक में आर लग गया, किसी वाक में एम लग गया, किसी वाक में हैज लग गया, किसी वाक में हैव लग गया, इट मींस वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर किसी वाक में मान लिया जाए वाज लग गया, वेयर लग गया या हैड लग गया, तो इसका मतलब है वो किस टेंस का है? पास्ट टेंस का। और फ्यूचर का तो एक ही है भैया, या तो रहेगा शैल और नहीं तो रहेगा विल। तो सेल लगे चाहे विल लगे, तो समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस का है। क्या किसी को दिक्कत? जो काम अभी हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो काम पहले ही समाप्त हो गया, भले एक मिनट पहले समाप्त हो, वो बीत गया जो भूतकाल, और जो अभी होगा वो क्या होगा? भविष्य काल। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद हमने बताया कि हर टेंस के चार फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का। नहीं, और प्रेजेंट टेंस का अगर सबसे पहला भेद हम देखें तो उसका नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या नाम है जी? प्रेजेंट इंडिफिनिट। आपको याद होगा कि हम थोड़ा सा पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि टेंस का मतलब हम याद रखने के लिए क्या बोले हैं? टेंस को क्या याद रखेंगे? टेंस को क्या याद रखेंगे? एक्शन। टेंस का मतलब एक्शन। एक्शन कब हो रहा है? प्रेजेंट में। कितने देर में होगा? इंडिफिनिट टाइम पर पूरा हो रहा है। जो कार्य, जो एक्शन प्रेजेंट के इंडिफिनिट टाइम पर पूरा होता है उसे ही प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। जब अभी तक आप लोग जो पढ़े होंगे पहले, तो आप लोग को बताया गया होगा कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये तो हिंदी का एक पहचान है। लेकिन हम अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी में भी तो डेफिनेशन होना चाहिए। जिस तरह नाउन का डेफिनेशन है अंग्रेजी हिंदी भी दोनों में, तो फिर इसका भी डेफिनेशन होना चाहिए। तो डेफिनेशन याद रखे इसके लिए सबसे सरल तरीका है कि आप टेंस को एक्शन के रूप में याद रखेंगे, और जो भी काम होगा टेंस में याद रखना वो पूरा होगा, चाहे अभी हो, चाहे बाद में हो, चाहे पहले हो गया हो, वो काम बचता नहीं, लगभग सब पूरा हो जाता है। तो एन एक्शन दैट कंप्लीट, जो पूरा तो होता है, कंप्लीट का मतलब जानते ही है, जो क्या होता है? पूरा हो जाता है। एन एक्शन दैट कंप्लीट एट, कब भैया? इनडिफिनिट टाइम। कब पूरा होता है?
इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट। कोई दिक्कत? बोलिए। ये हो गया। अब हिंदी में इसका जो पहचान होता है तो उसको हम कहते हैं अंतिम में क्या लगा रहेगा? ता है, ती है और ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ कभी गलती से भी आपको उस समय बताए थे कि लाल रंग खतरे का निशान होता है, नहीं होता है, यूज नहीं करना है। किसका? इज का। किसका और किसका? इज आर एम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि दिया गया वाक प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा मतलब उसमें अंतिम में ता है, ती है, ते है। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम सोते हो, हम लोग खेलते हैं, हम लोग हंसते हैं, राधा नाचती है, राधा गाती है, सब में लगा हुआ है ता है, ती है। क्या इसमें इजारेम लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो जब इजारेम नहीं लगाएंगे तो करेंगे क्या भैया? बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए याद ये रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्या याद रखेंगे? कि आपको क्रिया प्रयोग करना है भीवन का, और नहीं तो प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट क्या रहेगा तो क्या लगाइएगा? या कोई सब्जेक्ट जो रहेगा बहुवचन, प्लुरल। प्लुरल का मतलब क्या होता है? एक से। बहुत अच्छा है ना। अभी फाइव का मतलब क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब कै गो? ही एगो है, सी एगो है, राम एगो है। तो जो एगो रहेगा उसके साथ क्या लगाइएगा? आई रहेगा और रहेगा वी, रहेगा दे, रहेगा राम और श्याम, रहेगा सीता और गीता। तो एक से ज्यादा ना हो गया जी? तो जो ज्यादा हो गया उसके साथ क्या लगाइएगा? और भी वन भी फाइव बता चुके हैं, सिर्फ क्रिया का अंग्रेजी कर दिए, जैसे कौन, गो, तो ये क्या हो गया? भी वन। और इसमें यस आई एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ये तो पता है आपको। अब जहां जहां हम भीवन लगा रहे हैं याद ये रखेंगे, निगेटिव में वहीं पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? और जिसके साथ भी फाइव का प्रयोग करते हैं उसके साथ निगेटिव में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो उसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, है ना, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इस बात पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर कहता है कि अगर दिया गया वाक पॉजिटिव में हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई रहेगा तो वी रहेगा, तो दे रहेगा, तो राम और श्याम रहेगा, तो सीता और गीता रहेगा, तो लड़के रहेगा, तो लड़कियां रहेगी, तो किताबें रहेगा, तो गायें रहेगी, तो। लेकिन अगर कहेगा, मान लिया जाए सब्जेक्ट के तौर पर राम रहेगा तो क्या लगेगा? श्याम रहेगा तो क्या लगेगा? एक गाय, एक कलम, एक आदमी, एक जानवर, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक गो। और जब लग गया, जो बच गया उसको क्या कर देंगे? फिर निगेटिव की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट, और एगो रहेगा, एगो से ज्यादा रहेगा तो डू नॉट, एगो से ज्यादा रहेगा तो निगेटिव में डू नॉट। निगेटिव में क्या लगता है? डू नॉट। और इंट्रो या एगो रहेगा तो निगेटिव में क्या लगेगा? राम में, श्याम में, हरि में, हम लोग में, हम लोग में, तुम लोग में, लड़के में। समझ में आ रहा है सबको? एक से ज्यादा तो डू नॉट, एगो रहेगा तो। और जब डू और डज नॉट लगता है ना तो फिर हमेशा क्या यूज करेंगे? फिर भी फाई। और जो बच जाएगा उसको, और जब इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो डू और डज हमारा आगे आएगा। जैसे लगता है बता दिए, किसके अनुसार? सब्जेक्ट। अगर नॉट की बारी आएगी तो नॉट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं। और प्लस क्या होगा? और प्लस क्या होगा? और प्लस क्या होगा? चलिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच। अब आया बात कि डब्ल्यू एच है क्या। तो क्या
हिंदी में आता है? हाँ। क्यों आता है? हाँ। कहाँ आता है? हाँ। कब आता है? हाँ। कैसे आता है? हाँ। इसको जरा अंग्रेजी करिए, का क्या अंग्रेजी? क्यों का अंग्रेजी? कहाँ का अंग्रेजी? वेयर। कब का अंग्रेजी? वेन। कैसे का अंग्रेजी? ये शुरू किससे हुआ? यच। ई शुरू किससे हुआ? डब्लू और यच से। डब्लू और यच से। डब्लू और यच से। डब्लू और तो अगर कोई ऐसा वर्ड जो बीच में आ जाए और आने के बाद वो सवाल पूछता है, क्या पूछता है? तो उसे डब्लू एच इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो डब्लू एच अगर बीच में कब कहाँ कैसे क्यों रहेगा तो सबसे पहले अंग्रेजी कब कहाँ कैसे क्यों का करेंगे, तब अगर लगाएंगे किसका? डू या तब लगाएंगे सब्जेक्ट, तब लगाएंगे और तब लगाएंगे और तब हमारा क्वेश्चन। अब सवाल कुछ बनाते हैं हम लोग। मैं सोता हूं, कौन बनाइएगा? जल्दी से आ जाओ, एकदम तैयार रहना, लाइन लगा दो अपना, जिसे आना चाहते हो एकदम लाइन लग जाओ, आ जाओ अगला नंबर खड़ा रहो, कौन आना चाहता है यहाँ आगुआ में, चलो बनाओ जल्दी से। मैं सोता हूँ, क्या होगा? आई स्लीप। और सोना का अंग्रेजी? वी वन की वी फाइव। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई बड़ा ग्रामर में आई को अनकहल कहा जाता है, समाज में सब आदमी बात नहीं सुनता है, एगो कोई टेढ़ो रहता है उस सभे चल तो दक्षिण तो जी तो पश्चिम नहीं, तो ग्रामर में आई आई मतलब खास नहीं जी, अपने आप नहीं है, तो इसलिए कहता आई। ही लिया इज, राम भी लिया इज, श्याम भी लिया इज, बोला आई हम नहीं लेंगे इज, हम लेंगे एम। देखा? और जब बारी आया डू डजनों के तो बोला रे तोरा साथ नहीं रहेंगे इज वाला के साथ, हम चल वो पुलरल में, और चल गया किसके साथ? तो ये थोड़ा टेढ़ा चलता है, तो बन गया, कोई दिक्कत? ताली बजाओ जी। चलिए आई स्लिप है ना, आइए। राधा नहीं नाचती है, जल्दी से आ जाओ। क्या होगा? बनाओ जल्दी से। राधा हाँ डज नॉट और नाचना का डांस। गोज क्यों हुआ? कौन सुधारेगा इसको? आ जाओ जल्दी से, क्या होगा बताइए उधर से, दो जल्दी, क्या बनेगा उसका? डू दे और हो गया, अभी भी कुछ गलती है, उनको वहीं पर दो ना जी, यहाँ क्यों आ रहा है? लेडीज जो है ना उनसे पूछो क्या बात है, कोई और कुछ है बताइए गलती, आ जाओ। गलती कौन बताएगा? क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क है ना, अगर आप बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। चलिए बैठिए,